आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं उज्ज्वला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में युवाओं के प्रति देशभक्ति की भावना को जगाने और बॉर्डर पर तैनात जवानों के त्याग की सीख युवाओं में भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लागू किया गया, लेकिन इस योजना को लागू करने के बाद युवाओं की प्रतिक्रिया ने सरकार के सपनों को तार तार करने वाला काम किया। देखिए पूरा मामला। आगजनी, गोलेबारी, पत्थरबाजी, क्या इन्हीं युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है? जो खुलेआम देश में उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी युवा सेना में भर्ती होने का सपना लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं। सैनिक जब भी जिक्र होता है, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनका बलिदान और त्याग की बदौलत ही आज हम सुरक्षित होकर अपने घरों में त्योहार मनाते हैं, लेकिन देश में एक बार फिर प्रदर्शन की मार झेल रहा है। बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अभी थमी नहीं थी, अब एक और प्रदर्शन से देश को गुजरना पड़ रहा है। दरअसल सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना का यूपी, बिहार और राजस्थान में व्यापक विरोध शुरू हो रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल कोविड के चलते सेना की बहाली पर भी असर पड़ा था। पिछले दो साल से भी भर्तियां नहीं हो पाई थी और कुछ के परिणाम लंबित थे। इस बीच सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया और सभी पुरानी भर्तियों को इसी नई योजना के दायरे में करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को गहरी निराशा हुई जिनकी उम्र सीमा अब खत्म हो चुकी है या लगभग खत्म होनी है। अधिकांश छात्र पुरानी भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, यही वजह है कि वो सरकार की इस नई स्कीम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत इस वर्ष 46,000 युवाओं की सेना में शामिल किया जाएगा। योजना के मुताबिक भर्ती संविधा के आधार पर होगी, जिसकी समय सीमा 6 वर्ष के लिए होगी। उम्मीदवारों की उम्र 17 से 21 वर्ष होगी। हालांकि भर्ती हुए 25% युवाओं को 4 साल के बाद भी सेना में रखा जाएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में भर्तियों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह की शंकाओं के कारण देश के विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए हैं और विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। अब इस नीति पर सरकार का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।